शुक्ला के नाम कर दे, राजीव शुक्ला की नाम मांडविया साहब के कर दे। कंप्यूटर से ऐसा सिस्टम हो गया है कि कुछ भी कर सकता है। तालाबों को कर दिया उन्होंने, किसान की पैतृक संपत्ति इतनी कीमती जमीन हो गई कि वो सब तालाबों पर कब्जा हो गए, कोई रोकने वाला नहीं। एक बार पंजाब के किसानों के ब्लड सैंपल लिया गया तो उसमें परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा यूरिया का अंश था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैन्योर और खाद का प्रयोग किया जा रहा। हमारी मक्का रखी हुई कोई खरीदने वाला नहीं। MSP की बात छोड़ी, आपने तो 2200 रुपया के आसपास MSP कर दिया है, लेकिन उसको लेने वाला नहीं, हम किसको दें। सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि पानी का स्तर इतना नीचे जा रहा है, अगर इसको न रोका गया तो फिर कुछ भी पैदा नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। फसल के लिए पानी नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। दिल्ली में तो पीने के लिए पानी के लिए टैंकर से यूज करने पड़ रहे हैं। चर्चा प्रारंभ की थी वो इतनी तथ्यात्मक बातें थीं, उसका जवाब आप लोगों के पास कुछ है नहीं। आलोचना कुछ भी कीजिए, लेकिन वो तथ्य के साथ कह रहे हैं उसका खंडन तो कीजिए। खंडन करने के बाद इधर उधर से आलोचना करने से कोई फायदा नहीं होता है। समय 5 मिनट है और मंत्रालय बहुत बड़ा है, मंत्रालय के कार्यक्रम पर चर्चा है। नहीं नहीं, अलग से नहीं, अलग चाहिए नहीं, मैं शॉर्ट में ही कहूँगा। मैं सर गिरिराज जी अपना टाइम दे रहे हैं आपको। मुझे 2004 से 2008 तक एग्रीकल्चर कमेटी का चेयरमैन होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कुछ दिनों के लिए माननीय मौजूदा मंत्री जी उस वक्त उस कमेटी के चेयरमैन भी थे, और स्वामीनाथन साहब तो थे ही, बाद में आ गए थे। किसान का दुर्भाग्य ये है कि उसे कुदरत पर निर्भर रहना पड़ता है। कभी कभी फसल पकने को होती है, गेहूं खड़ा होता पकने को, ओले पड़ जाते, ख़त्म हो जाती। कभी बाढ़ आ जाती है तो धान और ये सब चले जाते हैं, वो किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन जो प्रयास होने चाहिए, गवर्नमेंट को करने चाहिए इन आपदाओं से बचने के लिए, उसके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर अवश्य विचार होना चाहिए। पिछली बार, अब की बार इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी कि गेहूं जब पकने दाना पड़ रहा था, उस वक्त अत्यधिक गर्मी पड़ने की वजह से उसकी उपज 20-25% कम हो गई। आलू जब उसमें ग्रोथ होने को थी उसके फल में, तो अधिक गर्मी की वजह से वो ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाया। अगर थोड़ा सा और बढ़ जाता तो 1.25 गुना ज़्यादा पैदावार होती। मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, मैं अपनी खेती खुद देखता हूँ, इसलिए जानता हूँ। पिछली साल हमारी जितनी ज़मीन में 4000 बैग वो आलू हुआ था, अब की 3200 हुआ, केवल अधिक गर्मी की वजह से। अब इसको न तो सरकार रोक सकती है, न और कोई रोक सकता है, कुदरत की है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो भाव मिलना चाहिए वो भाव नहीं मिल पाता है। आलू का तो कम हुआ पैदावार तो भाव बढ़ गया, अब की तो घाटा नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त मक्का हुई है बड़े पैमाने पर हमारे इलाके में, हमारी मक्का रखी हुई है, कोई खरीदने वाला नहीं। MSP की बात छोड़ी, आपने तो 2200 रुपया के आसपास MSP कर दिया है, लेकिन उसको लेने वाला नहीं, हम किसको दें। घर पर रखी हुई, उसमें डर ये लगा रहता है कि अधिक पानी बरसे में भीग जाएगी तो और ख़राब हो जाएगी, तब फिर और कोई नहीं लेगा आगे चल के। तो ये दिक्कतें हैं। एक मेरा सुझाव यह है कि आज भी आज़ादी के इतने दिनों बाद जो खेती है उसमें जोतने योग्य या खेती करने योग्य है, लगभग उतनी ही जमीन ऐसी है जो बंजर या रेबीन्स के रूप में पड़ी हुई है, उसको खेती योग्य जमीन के लिए कन्वर्ट करने के लिए, उसमें खेती हो सके अगर किया जाए,
तो बहुत बड़े पैमाने पर किसानों को लाभ हो सकता है। और जो खेती जोती भी जाती है, बोई जाती है, उसमें इरिगेटेड जो है वो जितना बोई जाती है उसका लगभग 55% इरिगेटेड है, केवल 55%। अगर वो पूरी इरिगेटेड हो जाए तब भी हमारी पैदावार और ज़्यादा हो सकती है और किसान की आमदनी वास्तव में बढ़ सकती है। तो इसके लिए प्रयास होने चाहिए। और दूसरे जो देवगौड़ा साहब ने कहा था, एक्चुअली खेती और एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ये सब एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर की जो प्रमुख हमारी फसलें हैं, गेहूं और धान, इससे जितना रेवेन्यू रिसीट होता है उससे ज़्यादा दूध, मांस और मछली से पैदा होता है, लेकिन उसकी तरफ उतना ध्यान जाता नहीं। और उससे भी ज़्यादा ख़राब स्थिति यह है कि जो फूड प्रोसेसिंग है, अब तो मंत्रालय ही अलग हो गया, लेकिन जितना महत्व उसको दिया जाना चाहिए उसको नहीं दिया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा दुनिया में अभी भी ब्राज़ील में होता है, 80% के आसपास। कुछ साल पहले जब मैं इस कमेटी का चेयरमैन था, जब मैंने पता किया तब केवल हिंदुस्तान में 1% होता था। तो हमारे जो फल हैं या सब्जियां हैं, जो पेरिसेबल वेजिटेबल्स हैं, वो लगभग 60,000 करोड़ रुपए के हर साल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग का कोई भी प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। आलू के लिए केवल कोल्ड स्टोरेज हैं और किसी के लिए है नहीं। मैं जब संभल से लोकसभा का सदस्य था तो उस इलाके में टमाटर बहुत होता था। एक दिन मैं जा रहा था एक क्षेत्र में, तो सड़क के किनारे ट्रैक्टरों से लोग टमाटर को फेंक रहे थे, निकाल रहे थे। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो साहब, कोई खरीदने वाला नहीं और 2 दिन बाद सड़ जाए। तो फूड प्रोसेसिंग का अगर इंतजाम सही हो जाए तब भी किसानों का बहुत भला हो सकता है। खाद के जरिए या इनके जरिए एक एग्रीकल्चर की लिमिट है कि इससे ज़्यादा पर हेक्टेयर आप पैदा कर ही नहीं सकते हैं। आए ज़्यादा खाद डाल देंगे तो ज़मीन और बंजर हो जाएगी। लेकिन एनिमल हस्बेंड्री में कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है। एक आदमी के पास 10 गायें हो सकती है, भैंसें हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं। सिंसास पे तो कुछ लिमिट है ही नहीं। तो जहाँ पैदावार बढ़ सकती है, आमदनी बढ़ सकती है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये जो खादें हैं, यूरिया वगैरह, इसका जो स्टैंडर्ड है यूज के, इतना प्रयोग किया जाना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। आगे चल के खेती बंजर हो सकती है। और यही नहीं, एक बार पंजाब के किसानों के ब्लड सैंपल लिया गया तो उसमें परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा यूरिया का अंश था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैन्योर और खाद का प्रयोग किया जा रहा था। तो इन सब का संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि पानी का स्तर इतना नीचे जा रहा है, अगर इसको न रोका गया तो फिर कुछ भी पैदा नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। फसल के लिए पानी नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। दिल्ली में तो पीने के लिए पानी के लिए टैंकर से यूज करने पड़ रहे हैं, जितने तालाब थे सब पर कब्जा हो गया, जो पोखरें थी उन पर मकान बन गए, कॉलोनी बना ली गई, वाटर जो जमीन है वो रिचार्ज नहीं हो पा रही है। और लोगों ने जहाँ पानी भरता था, अब ये नाला वगैरह थे, तालाब थे बड़े बड़े, उनसे नाला निकाल के नदियों में डाल दिया। पानी जो बरसता है वो सीधा नदियों से होता हुआ समुद्र में चला जाता है, रुकता ही नहीं कहीं। इसका इंतजाम करिए माननीय कृषि मंत्री जी, कृषि मंत्री जी नहीं है तो लेबर मिनिस्टर बैठे हुए हैं, आप जो हैं पानी को, जमीन को रिचार्ज करने का इंतजाम कीजिए, वरना सारे ट्यूबवेल्स फेल हो जाएंगे, न खेती की सिंचाई की व्यवस्था होगी और न ये हैंडपम्प लगते हैं पानी पीने के लिए, इनमें पानी निकलना बंद हो जाएगा, प्यासों मर जाएगा आदमी, पानी नहीं मिलेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है
कि एमएसपी का जो मैं सहमत हूं जो इन्होंने कहा है बहुत तथ्य देखिए आलोचना की दृष्टि नहीं, लेकिन जो चर्चा प्रारंभ की थी वो इतनी तथ्यात्मक बातें थीं उसका जवाब आप लोगों के पास कुछ है नहीं। आलोचना कुछ भी कीजिए लेकिन वो तथ्य के साथ कह रहे हैं उसका खंडन तो कीजिए। खंडन करने के बाद इधर उधर से आलोचना करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ यही कहता हूँ कि किसान को बचाने के लिए जमीन को पानी के रिचार्ज करने की व्यवस्था को रोकिए। जो तालाब बहरा कब्जा हो रहा, मैंने जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखी, उस वक्त थे शेखावत जी, कि हमारे यहाँ कुछ बहुत बड़े बड़े तालाब थे, जाने कहाँ कहाँ से सर्दियों में चिड़ियाँ आती थी वहाँ बैठती थी, सब पे लोगों ने कब्जा कर लिया। मैंने लिखा कि इसको रोकिए, डीएम मैनपुरी को कहा, अब डिजिटल सेंस मालूम क्या हो गया है, कोई भी लेखपाल हमारी जमीन राजीव शुक्ला के नाम कर दे, राजीव शुक्ला के नाम मांडविया साहब के कर दे। कंप्यूटर से ऐसा सिस्टम हो गया है कि कुछ भी कर सकता है। तालाबों को कर दिया उन्होंने, किसान की पैतृक संपत्ति इतनी कीमती जमीन हो गई कि वो सब तालाबों पर कब्जा हो गए, कोई रोकने वाला नहीं। सिंह साहब, मैंने डीएम मैनपुरी से बार बार कहा, फिर मैंने शेखावत जी को लिखा, शेखावत जी ने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आया, बल्कि इन्हीं के पास से मेरे पास जवाब गया कि उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग का ये काम है, तो मैं किससे प्रार्थना करूं? जब तालाब नहीं रहेंगे पानी नहीं मिलेगा। राजस्थान वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, पुराने तालाबों को सबको ठीक कर लिया, इसलिए हमारे यहाँ पानी तो खत्म होता जा रहा है, राजस्थान में उपलब्ध हो रहा है। बारिश का पानी रुक जाता है, हमारे यहाँ बारिश का पानी रोकने का कोई इंतजाम नहीं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा, एक तो तालाबों को पुनर्जीवित करें, पानी को रोकने की कोशिश करें, अच्छे बीज सस्ते दामों पर, मैंने मक्का का बीज लिया 580 रुपया किलो, बोले कर्नाटक से आता है कोई बीज है उसका नाम है, इतना महंगा बीज आता है। आलू रखने जाओ तो बीज इतना महंगा आता है कि अगर सस्ता हो जाए आलू तो आलू के बीज की कीमत के बराबर आलू नहीं होता। अब की बार तो कम हुआ तो आलू महंगा हो गया। तो धन्यवाद, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि किसानों अच्छा, अपना टाइम देंगे आप? किसान केवल जो निर्भर देंगे रहता है आकाश पर, उसका कोई अल्टरनेटिव भी सोचिए, अल्टरनेटिव कोई, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, कोई ऐसी फसलें नहीं निकालिए, कोई ऐसे बीज निकालिए। मैंने तो उस वक्त भी आईसीआर से कहा था, डायरेक्टर जनरल थे मंग आपके जमाने में ही आप थे तब, राय साहब मंगला जी, कि जब जहाँ पानी कम है तो ऐसे गेहूं की निकालिए जिसमें कम पानी पे भी गेहूं की पैदावार सही हो सके। धन्यवाद। खोज की है, बहुत सारी की हैं, लेट वैरायटी भी